नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अप्रैल 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी ही वीडियो बहुत ही अच्छे से डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ और इमेजेस के साथ बताई गई है। ये पार्ट टू है। पार्ट वन में हम लोगों ने 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक के करंट अफेयर को कवर किया था। अब ये पार्ट टू है तो इसमें हम लोग 16 अप्रैल से 30 अप्रैल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को कवर अप करेंगे। पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो हर बार की तरह डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर के देख लो। पिछली वीडियोस को भी आप लोग जाकर के देख सकते हो। तो यहाँ पर आपको वीडियो के साथ साथ PDF भी प्रोवाइड कराई जाती है और क्विज भी प्रोवाइड कराई जाती है। आप टेलीग्राम ग्रुप से अगर हमारे नहीं जुड़े हुए हो तो इससे जुड़ जाओ, यहाँ पर भी आपको PDF मिल जाएगी इसकी डिटेल्स के साथ, ठीक है। अच्छा, अप्रैल की अगर आप ईबुक लेना चाहते हो तो ईबुक के माध्यम से भी पढ़ाई कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कैटेगरी बाय कैटेगरी आपको अच्छे से एक एक कैटेगरी के अनुसार कोई ईबुक मिले जिसमें पूरा का पूरा कंटेंट हो। देखिए, करंट अफेयर मंथली करंट अफेयर में तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए जाते हैं, बात ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि डिटेल नॉलेज चाहिए होता है, पूरा का पूरा डिटेल नॉलेज चाहिए होता है और सभी के सभी करंट अफेयर चाहिए होते हैं, तो उसके लिए ईबुक लाई जाती है। तो आप इस ईबुक को परचेज कर सकते हो। हर एक सब्जेक्ट, हर एक चैप्टर को बहुत ही अच्छे से डिटेल्स के साथ इसमें बताया गया रहता है। इसके अलावा आपको 130 प्लस क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट भी दिया जाता है फ्री में बिल्कुल। ये सारी चीज़ें आप 20 रुपये में प्राप्त कर सकते हो। हर महीने की करंट अफेयर की ईबुक आती है, हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में स्टूडेंट परचेज किया करते हैं। आप ये सारी चीज़ें पा सकते हो हमारे एप्लीकेशन MZT ऐप से। तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और MZT ऐप लिख करके सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए एप्लीकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं अप्रैल महीने का। यहाँ पर वीडियो पार्ट वन आई होप आपने देखा होगा और पार्ट टू यहाँ से शुरू करेंगे हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में कहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया। तो प्रधानमंत्री संग्रहालय यानी कि प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम, ये दोस्तों नई दिल्ली में उद्घाटन किया गया है। प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम में होगा क्या कि जितने भी अभी तक आज़ाद भारत से अभी तक जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं उनके उनके टाइम पर क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं या उनकी उनकी क्या क्या अचीवमेंट्स रही हैं, ये सारा कुछ इसमें दिया गया है। प्रधानमंत्रियों की गैलरी बनाई गई है, ठीक है। 14 अप्रैल को भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पर इसका उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ओके, तो आज़ादी के अमृत महोत्सव का एक हिस्सा ये भी है। अगला देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हिम प्रहरी योजना शुरू की। तो हिम प्रहरी योजना शुरू की है दोस्तों उत्तराखंड राज्य सरकार ने। हिम प्रहरी योजना क्या है इसको समझिएगा। हिम प्रहरी योजना के तहत जो पहाड़ी इलाके में जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहाँ पर दोस्तों आदमी बसाए जाएंगे। अब ये आदमी, ये व्यक्ति कैसे होंगे, ये या तो युवा होंगे या तो पूर्व सैनिक रहे होंगे, रिटायर्ड सैनिक रहे होंगे। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा इसलिए किया जा रहा है जिससे घुसपैठ को रोका जा सके। अमूमन देखा जाता है पहाड़ी इलाकों में सेना की मौजूदगी कम होती है, ऐसे में वहाँ से घुसपैठ वगैरह हो जाती है। तो लेकिन जब वहाँ पर युवाओं को और पूर्व सैनिकों को बसा दिया जाएगा, एक गाँव के रूप में रहने लगेंगे जो, तो उससे घुसपैठ कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। ओके, और साथ ही साथ लोगों का पलायन भी इधर उधर से रोका जा सकेगा। अगला, स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 इसकी मेज़बानी कौन करेगा। इसकी मेज़बानी दोस्तों इंडिया करेगा। 2023 में होगा स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप। 2023 में ही ICC का क्रिकेट वर्ल्ड कप जो होने वाला है मेन वाला, उसकी भी मेज़बानी इंडिया ही करेगा और इसकी भी मेज़बानी इंडिया ही करेगा। तो फिलहाल इसमें अगर बात करें 16 देशों की 22 टीमें इसमें हिस्सा लेंगी। स्ट्रीट चाइल्ड यूनाइटेड और सेव द चिल्ड्रन इंडिया इसके द्वारा इसका आयोजन कराया जा रहा है। ओके, अच्छा, पिछले कुछ ICC के टूर्नामेंट्स की बात करें तो ICC का अभी 2019 वाला जो हुआ था वर्ल्ड कप उसको इंग्लैंड ने जीता था न्यूजीलैंड को हरा करके। 2020 में दोस्तों टेस्ट चैंपियनशिप ट्रॉफी हुई, ICC का टेस्ट चैंपियनशिप हुआ, इसको न्यूजीलैंड ने जीता इंडिया को हरा करके। 2021 में दोस्तों T20 वर्ल्ड कप हुआ ICC का, इसको ऑस्ट्रेलिया ने जीता न्यूजीलैंड को हरा करके। और अभी 2022 में भी ऑस्ट्रेलिया में होना है वर्ल्ड कप, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब हुआ नहीं है, ठीक है। इसके बाद 2023 का वर्ल्ड कप इंडिया में होगा। अगला, हाल ही में T20 क्रिकेट में 10,000 रन पूरा करने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज कौन बने। तो वो बन गए हैं रो सुपरहिट शर्मा। रोहित शर्मा दोस्तों 10,000 रन ये पूरा कर चुके हैं T20 क्रिकेट में। अब ये 10,000 रन दोस्तों IPL, T20, मतलब हर एक प्रकार के T20, 20-20 ओवर के जो भी फॉर्मेट के गेम होते हैं उसको मिला करके है।
तो अगर T20 इंटरनेशनल पूछा जाए तब आप ये डाटा नहीं बताएंगे। T20 इंटरनेशनल वो हुआ जब इंटरनेशनल किसी एक देश की टीम के साथ खेल करके किसी दूसरे देश के टीम के खिलाफ खेलें तब। और T20 अगर बात की जाए तो उसमें IPL भी शामिल है, बाकी जो लीग मैचेस होते हैं वो भी शामिल हैं, ठीक है, T20 इंटरनेशनल भी शामिल है, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हो जाती हैं। ओके, तो T20 में इन्होंने 10,000 रन पूरा किए हैं। पहले कौन है? पहले है विराट कोहली, ठीक है। अच्छा, IPL में मुंबई इंडियंस की कप्तानी करते हैं रोहित शर्मा, 5 बार ये अपनी टीम को चैंपियन भी बना चुके हैं, 2013, 15, 17, 19 और 20 में। अगला, सोना उपभोक्ता के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों, सोना के उपभोक्ता के मामले में यानी गोल्ड के कंज्यूमर के मामले में भारत है दूसरे स्थान पर। दुनिया में सबसे ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है गोल्ड चाइना में, और दूसरा सबसे ज़्यादा कंज्यूमर है इंडिया। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2021-22 के टाइम पर आभूषण का एक्सपोर्टेशन जो है वो 50% बढ़ करके $39 बिलियन हो गया है। ओके, अगला, हाल ही में नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती? इसे जीत लिया है तमिलनाडु ने। तमिलनाडु की टीम ने दोस्तों नेशनल बास्केटबॉल सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप जीत ली हुई है, पंजाब को हरा करके इसने जीता है। पंजाब पिछली बार की विजेता थी। और वहीं महिला टीम में अगर बात करें तो महिलाओं में रेलवे की टीम ने जीता हुआ है, इसने तेलंगाना को हरा करके जीता है, 71वां इस बार का संस्करण था। अगला, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के लोगों का अनावरण किया? तो दोस्तों, ओडिशा में क्योंकि होने वाला है तो ओडिशा के CM जो है नवीन पटनायक जी, इन्होंने 2023 का जो पुरुष हॉकी का विश्व कप होने वाला है उसके लिए लोगो और टी शर्ट वगैरह का अनावरण किया है, इसकी लॉन्चिंग करी हुई है, इसका मस्कट भी इन्होंने लॉन्च किया है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे इमेज में, ठीक है, 2018 में भी ओडिशा ने ही मेज़बानी करी हुई थी और 2023 में ओडिशा ही मेज़बानी करने जा रहा है हॉकी विश्व कप का। तो भारत में होगा 2023 में हॉकी विश्व कप भी, इसको भी आप याद रखेंगे। कहाँ पर होगा ये? भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में इन्होंने अभी हाल ही में लोगों का अनावरण किया है। ये मैच भुवनेश्वर और राउरकेला दो सिटीज़ में खेला जाएगा, ठीक है। राउरकेला में ही देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन रहा है, नाम है इसका बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम, ये भी आप याद रखेंगे। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है ओडिशा से, ओडिशा दोस्तों पुरुष और महिला हॉकी टीमों को 10 साल तक स्पॉन्सर करने के लिए घोषणा किया हुआ है और ऐसा करने वाला ये पहला राज्य है। ओके, अगला, हाल ही में रोंगाली बोहाग बिहू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो रोंगाली बोहाग बिहू महोत्सव दोस्तों ये मनाया गया असम में। देखिए, बिहू महोत्सव बेसिकली तीन प्रकार से मनाए जाते हैं, तीन टाइप का बिहू महोत्सव होता है और ये तीनों का तीनों कहाँ पर मनाया जाता है? असम में, असम का बिहू महोत्सव होता है, इसको आप याद रखेंगे। तो अभी ये महोत्सव भी मनाया गया, ये सभी महोत्सव अलग अलग टाइम पर अलग अलग फसलों को रिप्रेजेंट करते हुए मनाए जाते हैं, ठीक है ना। तीन महोत्सव होते हैं, रोंगाली या बोहाग बिहू और कटी बिहू या कुंगाली बिहू, और तीसरा होता है मांग बिहू या भोगली बिहू, क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा स्वनिधि से समृद्धि योजना शुरू की गई? तो स्वनिधि से समृद्धि योजना ये शुरू की गई है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। PM स्वनिधि योजना के तहत दोस्तों आपको अगर याद हो तो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए आत्मनिर्भर निधि योजना थी ये, और इसके तहत जो ठेले वाले होते हैं या फिर जो गलियों में बेचने वाले, जो सामान बेचने वाले जो व्यापारी होते हैं, या कहें कि व्यापारी नहीं कहेंगे, जो विक्रेता होते हैं, ठीक है ना, तो उनको 10,000 रुपये तक का लोन देने के लिए ये योजना थी, ठीक है। तो ऐसे में अब स्वनिधि से समृद्धि योजना करके एक और इसी का अपग्रेडेड योजना लॉन्च किया गया है। तो अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के जो सचिव हैं मनोज जोशी जी, इन्होंने 14 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 126 शहरों में ये शुरू किया हुआ है। अगर PM स्वनिधि योजना की बात की जाए तो वो 1 जून 2020 को लागू की गई थी, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना होता है इसका फुल फॉर्म। अगला, हाल ही में किस देश ने आयरन बीम नामक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? देखिए, आयरन लग जाए ना तो समझ लीजिएगा इसराइल, क्या समझेंगे? इसराइल, आयरन बीम हो, आयरन डोम हो, ये सभी मिसाइलें जो हैं ये इसराइल की हैं। तो आयरन बीम जो है बेसिकली ये एक मिसाइल है, इसका अभी सफलतापूर्वक परीक्षण किया है इसराइल ने। ये खास क्यों है? खास इसलिए है क्योंकि ये दोस्तों एक लेजर बेस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, यानी कि जैसे आप देखते हो S-400 है, S-500 है रसिया का, ठीक है, S-300 है, तो ये सब क्या करते हैं? एयर डिफेंस सिस्टम है। ये जो बाहरी से अटैक होता है मिसाइलों को, उनको हवा में ही मार गिराते हैं।
तो ये तो एक प्रकार से ऑर्डिनरी तरीका कि इधर से भी मिसाइल जाती है, हवा में भी मार देती है, लेकिन ये लेजर गाइडेड होंगी, यानी लेजर के माध्यम से ही ये डिफेंस का काम करेंगी, एयर डिफेंस का काम करेंगे। तो लेजर गाइडेड आयरन बीम है, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया है आते ही, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा चर्चा बटोर लिया है। 90% एक्यूरेसी बता रहा है, 7 किलोमीटर की इसकी रेंज है। एडवांस डिफेंस सिस्टम द्वारा ये राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम के द्वारा ये डेवलप किया गया है, जो कि एक कंपनी है डिफेंस इक्विपमेंट बनाने वाली इसराइल की। यहाँ पर राफेल आप लोग विमान मत समझ लेना, राफेल विमान जो है वो फ्रांस ने बनाया था। अगला, थाली में किस राज्य में समुद्र तट महोत्सव सी पोंडी 2022 का आयोजन किया गया? तो अभी हाल ही में पुडुचेरी में दोस्तों सी पोंडी 2022 नाम का एक समुद्र तटीय महोत्सव मनाया गया, सेलिब्रेट किया गया पुडुचेरी में, ये सेलिब्रेट किया गया। और यहाँ पर पुडुचेरी के उपराज्यपाल भी शामिल थे, तमिलसाई सौंदरराजन, जिनको एक्स्ट्रा चार्ज मिला हुआ है, जो कि तेलंगाना की ये गवर्नर हैं वर्तमान में, तो ये भी थे। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं एन रंगास्वामी, ये भी उपस्थित थे पुडुचेरी के। क्लियर है, अगला देखते हैं। हाल ही में किसे ओ हेनरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ओ हेनरी पुरस्कार से सम्मानित किए गए अमर मित्रा, अमर मित्रा यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहे हैं, इन्हें दोस्तों सम्मानित किया गया है ओ हेनरी पुरस्कार से। ये एक बंगाली लेखक हैं और इन्होंने गांव बरो नाम की एक लघु कथा लिखी थी, शॉर्ट स्टोरी लिखी थी। और ये शॉर्ट स्टोरी, इंटरेस्टिंग बात यह है कि 45 साल पहले इन्होंने लिखी हुई थी 1977 में, और उसके लिए अभी जाकर के इनको मिल रहा है ये अवार्ड। अगला, हाल ही में कहाँ पर पीएम मोदी ने भगवान हनुमान की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? तो पीएम मोदी ने दोस्तों अभी हाल ही में गुजरात में भगवान हनुमान की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया हुआ है। ये गुजरात के मोरबी में स्थित है। हनुमान जी चारधाम परियोजना का ये एक हिस्सा है। हनुमान जी चारधाम परियोजना के तहत दोस्तों देश भर में चार कोनों पर चार मूर्तियाँ स्थापित करी जाने हैं। जैसे पहली प्रतिमा शिमला हिमाचल प्रदेश में ये स्थापित की गई थी, दूसरी प्रतिमा इसकी मोरबी गुजरात में स्थापित की गई है, तीसरी अभी बन रही है रामेश्वरम तमिलनाडु में, चौथी देखिए पूर्वोत्तर राज्यों में कहीं पर स्थापित करी जाएगी। अगला, विश्व विरासत या धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है, वर्ल्ड हेरिटेज डे। दुनिया भर के जो धरोहर हैं, जो विरासत हैं, उनको संरक्षित करने के लिए, उसके बारे में लोगों को बताने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम इम्पॉर्टेंट है, हेरिटेज एंड क्लाइमेट। क्या है? हेरिटेज एंड क्लाइमेट। यूनेस्को के द्वारा ये मनाया जाना शुरू हुआ था। यूनेस्को के बारे में अगर बात करें हम लोग, तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। 1946 में स्थापना हुई थी, पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है और आंद्रे अजोले इसके हैं अध्यक्ष। अच्छा, यूनेस्को की कितनी साइट्स में, भारत की कितनी साइट हैं? तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में दोस्तों 40 भारतीय हैं, ठीक है, 40 भारतीय यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसमें शामिल हैं। तो अभी 39वां और 40वां मैंने आपको बताया, धौलावीरा और तेलंगाना का रामप्पा मंदिर, दोनों आप याद रखेंगे। अगला, कौन सा ऐप प्रधानमंत्री संग्रहालय का आधिकारिक डिजिटल भुगतान पार्टनर बना? तो दोस्तों डिजिटल पेमेंट पार्टनर बन गया है पेटीएम। अभी हाल में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन हुआ, पहला ही क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, तो उसमें ऑफिशियल जो पेमेंट पार्टनर बना है वो है पेटीएम, ठीक है ना, लोग जाएंगे जब टिकट लेंगे उसके लिए, तो पेटीएम ने यहाँ पर डील करी हुई है। तीन मूर्ति स्टेट में ये बनाया गया है प्रधानमंत्री संग्रहालय, पहले ये जवाहरलाल नेहरू जी के घर के रूप में और फिर आगे चल करके जवाहरलाल नेहरू म्यूजियम के रूप में जाना जाता था। अगला, हाल ही में दृष्टिबाधित लोगों के लिए किस नाम से देश का पहला रेडियो चैनल लॉन्च किया गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में रेडियो अक्ष लॉन्च किया गया है, जो दृष्टिबाधित लोगों के लिए है, और ऐसा ये देश का पहला रेडियो चैनल है। नागपुर महाराष्ट्र में ये लॉन्च किया गया है, द ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। इससे दृष्टिबाधित जो लोग हैं, जो देखने में अक्षम हैं, उनको पढ़ाई में मदद मिलेगी, ऑडियो बुक के रूप में उन्हें मदद मिलेगी, साथ ही साथ और भी जो भी चीज़ें ऑडियो के रूप में वो लेना चाहते हैं लाभ, इसके माध्यम से उठा सकते हैं। अगला, AIMA द्वारा सुजीत सरकार को किस फिल्म के लिए डायरेक्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला? तो सुजीत सरकार को दोस्तों अभी हाल ही में सरदार उधम फिल्म के लिए डायरेक्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। सरदार उधम फिल्म अगर आपने नहीं देखी है तो उसको जरूर देखिएगा। इसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में बताया गया है कि उस टाइम पर जो जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था, उसके बाद सरदार उधम ने कैसे जाकर के 20 सालों के बाद उसके मेन आरोपी को, जनरल डायर को, जाकर के गोली मारी थी लंदन में, तो ये बताया गया है सरदार उधम के बारे में।
सरदार उधम बहुत ही फेमस, बहुत ही समझ लो कि वीर स्वतंत्रता सेनानी थे। अगला, विश्व लीवर दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड लीवर डे। तो ये दोस्तों मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 19 अप्रैल को, विश्व लीवर दिवस। लीवर के महत्व के बारे में बताने के लिए, लीवर के खराब होने से जो बीमारियां होती हैं या फिर लीवर को कैसे स्वस्थ रखा जा सकता है, इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। लीवर दोस्तों मस्तिष्क के बाद शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग होता है और दूसरा सबसे जटिल अंग भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 12वीं राष्ट्रीय सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती। तो इसको जीत लिया है दोस्तों हरियाणा ने अभी हाल ही में तमिलनाडु को हरा करके ये चैंपियनशिप जीत ली हुई है। तमिलनाडु को इसने 3-1 से हराया। इसका आयोजन किया गया था भोपाल में, मध्य प्रदेश में, 6 से 17 अप्रैल के बीच में। तो 12वीं ये सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप थी, इसको जीत लिया है हरियाणा ने। ठीक है, अगला देखते हैं, हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ने वाली दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण कौन करा रहा है। तो दोस्तों देखिए, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख जो हो गया ये बॉर्डर स्टेट हो गए, और बॉर्डर स्टेट में और पहाड़ी इलाकों में अगर कोई रोड, कोई सुरंग वगैरह बनानी होती है ना, तो इसकी जिम्मेदारी लेता है बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये सिंकुला के पास में बनाया जा रहा है, सिंकुला दर्रे पर बनाया जा रहा है। 16,580 फीट की ऊंचाई पर ये बनाया जा रहा है, ये दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित सुरंग होने वाली है। तो हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को ये जोड़ेगी 16,580 फीट की ऊंचाई पर। सिंकुला दर्रा का नाम आप याद रखेंगे, यही पूछा जाएगा। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, महानिदेशक हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। अगला, भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने कहां पर कृपाण शक्ति अभ्यास का आयोजन किया। तो भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने दोस्तों कृपाण शक्ति अभ्यास का आयोजन किया है पश्चिम बंगाल में। ये त्रिशक्ति कोर के द्वारा आयोजित किया गया है, और एक्स कृपाण शक्ति इसका पूरा नाम है, तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज सिलीगुड़ी में ये आयोजित किया गया है, और इसका नेतृत्व किया लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार जी ने। अगला क्वेश्चन, भारत किस देश के साथ क्वांटम कंप्यूटिंग पर वर्चुअल नेटवर्क सेंटर स्थापित करेगा। तो भारत दोस्तों क्वांटम कंप्यूटिंग पर वर्चुअल नेटवर्क सेंटर स्थापित करने जा रहा है फिनलैंड के साथ भारत की डील हुई है इसको लेकर के, और भारत फिनलैंड मिलकर के क्वांटम कंप्यूटिंग पर एक इंडो फिनिश वर्चुअल नेटवर्क सेंटर स्थापित करेंगे। अभी दोस्तों क्वांटम कंप्यूटिंग पर अगर वर्चुअल नेटवर्क सेंटर स्थापित करने के लिए बात किया जाए, किसको चुना गया है, तो IIT मद्रास, IISER पुणे और CDAC पुणे, इन तीन को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कृषि मंत्री द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया। तो केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा क्रॉप और PQMS पोर्टल लॉन्च किया गया, उपरोक्त दोनों ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने ये दो ऐप लॉन्च किए हुए हैं, दोनों का फुल फॉर्म समझ लीजिए। क्रॉप का मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव रजिस्ट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स यानी कि कीटनाशकों का व्यापक पंजीकरण। दूसरा है PQMS यानी प्लांट क्वारंटाइन मैनेजमेंट सिस्टम यानी पौधे संगरोधक प्रबंधन प्रणाली। तो इन दोनों ऐप के थ्रू यहाँ पर जैसे कि आप देख पाएंगे, इनके फुल फॉर्म से ही थोड़ा सा आइडिया लग जा रहा है कि कीटनाशकों का व्यापक प्रबंधन कैसे किया जाए, उसका पंजीकरण कैसे किया जाए, और पौधों को रोगों से कैसे बचाया जाए, इसके लिए ये प्रॉपर तरीके से एप्लीकेशन लॉन्च की गई है, और ये एप्लीकेशन के माध्यम से लोग इसके बारे में जानकारियाँ पाएंगे। अगला, हाल ही में किस राज्य में ई लाइब्रेरी पहल ई किताब कोर्स शुरू किया गया। तो ई किताब कोर्स दोस्तों जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है, ये एक डिजिटल लाइब्रेरी पहल है और इसे शुरू किया गया है। जम्मू कश्मीर के जो मुख्य सचिव हैं अरुण कुमार मेहता जी, इन्होंने इसे लॉन्च किया हुआ है। डिजिटल लाइब्रेरी है ये ई किताब कोर्स, इसमें 5 भाषाओं को सीखने के लिए यहाँ पर मटेरियल्स वगैरह अवेलेबल रहेंगे, वहाँ के जो युवा हैं या फिर वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो जा कर के सीख सकते हैं। 5 भाषाएं कौन कौन सी हैं, वो सभी 5 हैं जो जम्मू कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। जम्मू कश्मीर की 5 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, डोगरी और कश्मीरी। अगला, हाल ही में किस राज्य ने शिक्षा गीत इरादा कर लिया है हमने लॉन्च किया। तो दोस्तों दिल्ली ने लॉन्च किया हुआ है, दिल्ली सरकार ने अपने स्कूलों में इरादा कर लिया है हमने नाम से एक एजुकेशन सॉन्ग लॉन्च किया है, और ये शायद भारत में पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी स्कूल में एजुकेशनल सॉन्ग लॉन्च किया गया हो। इस गाने को आलोक श्रीवास्तव ने लिखा है और गाया है मशहूर गायक शान और स्नेहा शंकर ने। दिल्ली सरकार ने ही अभी हॉबी हब शुरू किया था स्कूलों में, और देश का मेंटर प्रोग्राम भी शुरू किया था जिसका ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद को बनाया गया था। अगला, हाल ही में किस मंत्रालय ने EDEAR नाम पोर्टल विकसित किया।
तो ई डार नामक पोर्टल विकसित किया है दोस्तों सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने। नितिन गडकरी इसके मंत्रालय के मंत्री हैं। इन्होंने दोस्तों रोड एक्सीडेंट्स को कम करने के लिए ई डी ए आर पोर्टल लॉन्च किया है, यानी ई डिटेल एक्सीडेंट्स रिपोर्ट्स पोर्टल लॉन्च किया है। अच्छा, ये रोड एक्सीडेंट्स को कम तो करेगा ही करेगा, साथ ही साथ ये जो दुर्घटना हो गई रहेगी उसकी डिटेल रिपोर्टिंग भी करेगा, यानी उसका डिटेल्स रखेगा अपने पास, जिससे क्या होता है कि जो दुर्घटनाओं का मुआवजा होता है वो जल्दी से और आसानी से मिल सके उनके घर वालों को। तो नितिन जयराम गडकरी जी जो कि इसके मंत्रालय के मंत्री हैं, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में शीर्ष पर कौन है? तो दोस्तों हेल्थ केयर रिच लिस्ट अगर बात की जाए तब टॉप पर हैं साइरस एस पूनावाला। साइरस पूनावाला दोस्तों ये कहाँ के हैं? ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के दोस्तों फाउंडर हैं, ठीक है ना, और चेयरमैन हैं, सीईओ इन्हीं की बेटे हैं आदार पूनावाला, उनका भी नाम आपने सुना होगा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वही कंपनी है जिसने कोविशील्ड बनाया है, और कोविशील्ड वही वैक्सीन है जो मैक्सिमम लोग इंडिया में लगाए। अच्छा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन प्रोडक्शन वाली कंपनी है। तो इसके जो अध्यक्ष हैं साइरस पूनावाला, ये बन गए हैं इंडियन हेल्थ केयर बिलियनियर, ठीक है ना, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं हेल्थ केयर सेक्टर में। अगला, यहाँ पर आपको इमेज में देख रहे हैं, यही है साइरस पूनावाला। ओके, इनको इस बार पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जाएगा, इनको और कृष्णा इला को भी। कृष्णा इला कौन है? कृष्णा इला दोस्तों, कृष्णा इला जो है ये भारत बायोटेक के जो दूसरी वैक्सीन बनी थी ना कोवैक्सीन, उसके मालिक। अगला, किस भारतीय अमेरिकी को यूएसए की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में शांति सेठी को दोस्तों, जो कि भारतीय अमेरिकी हैं, इनको यूएसए की जो उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, इनका डिफेंस एडवाइज़र नियुक्त किया गया है। शांति सेठी क्योंकि ये भारतीय मूल की हैं, इस वजह से ये नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको आप याद रखेंगे। ये अमेरिकी नौसेना के लड़ाकू जहाज की पहली भारतीय अमेरिकी कमांडर भी रह चुकी हैं। अगला, हाल ही में भारतीय नौसेना ने मझगांव डॉक लिमिटेड में स्कॉर्पियन कैटेगरी की किस पनडुब्बी का उद्घाटन किया है? तो भारतीय नौसेना ने अभी हाल ही में INS वसगीर का उद्घाटन किया है, इसको कमीशन किया है। ये स्कॉर्पियन कैटेगरी की ये मझगांव डॉक यार्ड लिमिटेड द्वारा बनाई गई थी, इसका पूरा नाम है यार्ड 11880। ओके, तो ये दोस्तों आखिरी था, छठा, जो छः में से छः स्कॉर्पियन कैटेगरी की थी पनडुब्बियाँ, उसमें से ये लास्ट थी, ठीक है। तो लास्ट थी INS वसगीर, इसके पहले की 5 INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंज, INS वेला, INS वगीर और अब INS वसगीर। फ्रांसीसी नौसेना डिफेंस एकेडमी के द्वारा ये बनाई गई थी, डिफेंस कंपनी है एक DCNC NS, उसके द्वारा ये बनाई गई थी। अगला, किस मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय धातुविद पुरस्कार 2021 प्रदान किया जाएगा? तो ये इस्पात मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया गया राष्ट्रीय धातुविद पुरस्कार 2021। केंद्रीय इस्पात मंत्री हैं रामचंद्र प्रसाद सिंह, इन्होंने इस कार्यक्रम की मेज़बानी की हुई है। अगला है, सैन्य अभियान के अगले महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए? तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार जी को दोस्तों सैन्य अभियानों का अगला महानिदेशक नियुक्त किया गया है, यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये BS राजू जी का स्थान लेंगे, और ये भारतीय DGMO कह सकते हैं हम लोग शॉर्ट फॉर्म में, DGMO यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, सैन्य अभियानों के महानिदेशक, ठीक है ना। अच्छा, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ही लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को भारतीय थलसेना का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, और 1 मई को इन्होंने अपना पदभार भी ग्रहण कर लिया है। अभी NDA के भी नए अध्यक्ष बने हैं, वाइस एडमिरल अजय कोचर, तो इनका भी नाम आप याद रखेंगे। ये सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ हुई हैं, इनका नाम आप याद रखेंगे। अगला, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाएगा? विश्व पृथ्वी दिवस दोस्तों ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है, ठीक है। मातृ पृथ्वी दिवस पृथ्वी के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, पृथ्वी के महत्व को बताने के लिए मनाया जाता है। इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट ये इस बार की थीम है, थीम छोटी है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप। अगला, हाल ही में किस क्रिकेटर को विजडन के 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर्स में शामिल किया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह, इन दो भारतीय क्रिकेटर को अभी 5 विजडन्स क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर्स की लिस्ट में शामिल किया गया है। टोटल 5 क्रिकेटर्स शामिल किए गए हैं, जिसमें से 2 भारतीय हैं, कौन कौन से? जसप्रीत बुमराह और रोहित शर्मा, ठीक है। ये 5ों क्रिकेटर जो हैं इसमें रूट हैं लीजे ली हैं, ठीक है ना, जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा और डेवोन कॉनवे। अगला,
हाल ही में किस जिले को उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार दिया गया? तो अभी हाल ही में विष्णुपुर और चुरू जिला, ये दो जिले को दोस्तों चुना गया है प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए। विष्णुपुर जिला ये मणिपुर का है और चुरू जिला जो है ये राजस्थान का है, तो इन दोनों जिलों को ये सम्मान मिला हुआ है। एक एक ट्रॉफी और स्क्रॉल साथ में 20-20 लाख रुपए दिए गए हैं। अगला, कर्नाटक के निर्माणाधीन शिवमोग्गा हवाई अड्डे का नाम बदल करके किस पूर्व मुख्यमंत्री के नाम पर रखा जाएगा? तो शिवमोग्गा एयरपोर्ट का नाम बदल करके दोस्तों अब रखा जाएगा BS येदियुरप्पा जी के नाम पर, जो कि पूर्व CM रह चुके हैं कर्नाटक के। अगर आपको याद हो तो इन्हीं को दोस्तों मिला था ये पुरस्कार, कोविड वॉरियर का पुरस्कार मिला था, ठीक है ना। तो इन्हीं के नाम पर कर्नाटक में एक निर्माणाधीन एयरपोर्ट है, उसका नाम बदल करके BS येदियुरप्पा के नाम पर रखा जाएगा। अगला, भारत सरकार का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार किसे बनाया गया? तो भारत सरकार के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार होंगे अजय कुमार सूद। यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहे हैं, ये अब भारत सरकार के नए चीफ साइंटिफिक एडवाइज़र होते हैं, उसका पद लेंगे ये। विजय राघवन जी की जगह पर ये नियुक्त होंगे अगले 3 वर्षों के लिए। अगला, पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये मुंबई में दोस्तों भारत का पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 आयोजित किया जाना है। मुंबई पत्तन प्राधिकरण के द्वारा ये आयोजित कराया जा रहा है, जो केंद्रीय बंदरगाह नौवाहन और जलमार्ग मंत्री हैं सर्वानंद सोनोवाल जी, इन्होंने इसकी घोषणा करी हुई है। अगला, हाल ही में अमेरिका की बिलिटी कंपनी ने भारत के किस राज्य में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3-व्हीलर फैक्ट्री लगाने की घोषणा की है? तो अमेरिका की बिलिटी एक कंपनी है, उसने दोस्तों तेलंगाना में दुनिया की सबसे बड़ी 3-व्हीलर फैक्ट्री लगाने की घोषणा करी हुई है। तो तेलंगाना में यह स्थापित करी जाएगी, 200 एकड़ क्षेत्र में ये बनेगी। बिलिटी इलेक्ट्रिक इंक के द्वारा, एक जो कि USA बेस्ड कंपनी है, उसके द्वारा ये बनाई जाएगी। इसकी प्रति वर्ष प्रोडक्शन करने की क्षमता होगी 18,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। आगे चल करके ये बढ़कर के 2,40,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर ईयर की क्षमता वाली हो जाएगी, उत्पादन क्षमता वाली। अगला, हाल ही में कहाँ पर नाटो ने लॉक्ड सील नामक साइबर सुरक्षा अभियान शुरू किया? तो नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसने लॉक्ड सील नामक साइबर डिफेंस अभ्यास शुरू किया है एस्टोनिया में। ये दुनिया का अभी तक का सबसे बड़ा साइबर डिफेंस एक एक्सरसाइज होगा, तो ये नाटो के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। अच्छा, इससे पहले नाटो ने अभी कुछ और सैन्य अभ्यास किए थे, जैसे नार्वे में इसने कोल्ड रिस्पॉन्स नाम का अभ्यास किया था, नेपच्यून स्ट्राइक भूमध्य सागर में किया था, ठीक है। नाटो के बारे में अगर बात करें, काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहा, इसी को लेकर के रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध भी छिड़ गया। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है, 30 इसके सदस्य देश हैं। स्थापना 1949 में हुई थी, जब हुई थी स्थापना तब 12 सदस्य देश थे। हेडक्वार्टर इसका ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और अध्यक्ष हैं जेन्स स्टोरेनबर्ग। अभी इनका कार्यकाल भी बढ़ाया गया है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने धार्मिक स्थलों पर नए माइक लगाने और धार्मिक जुलूसों में हथियारों के प्रदर्शन पर रोक लगाया? तो दोस्तों अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश ने नए माइक लगाने और धार्मिक जुलूसों में हथियारों के प्रदर्शन पर रोक लगा दिया है धार्मिक स्थलों के आसपास में। तो योगी आदित्यनाथ जी ने ये घोषणा करी हुई है, क्योंकि कहीं दंगे ना हो पाए, क्योंकि अभी देखने को मिला रामनवमी के अवसर पर, उसके बाद हनुमान जयंती के अवसर पर दंगे भी हुए, ठीक है ना। तो ऐसे में धार्मिक स्थलों पर माइक लगाने और धार्मिक जुलूसों में हथियारों के प्रदर्शन पर रोक लगा दिया गया है। अगला, हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया? तो ये प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है, इस बार भी 24 अप्रैल को मनाया गया राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। 24 अप्रैल को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को ही ये अधिनियम लागू किया गया था। कौन सा अधिनियम? 93वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसके तहत भारतीय संविधान में दोस्तों ये जोड़ा गया, पंचायती राज व्यवस्था लाई गई। तो पंचायती राज अधिनियम 93वें संविधान संशोधन के तहत ऐड किया गया है और 1992 में लाया गया था बिल इसके लिए और पूरी तरीके से लागू हुआ 1993 में। अच्छा, पंचायती राज दिवस मनाए जाने की शुरुआत कब से हुई? 2010 में। अच्छा, अगर पूछा जाए आपसे कि सबसे पहली बार पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई, तो आप बताएंगे राजस्थान के नागौर जिले में राजस्थान के 1959 को पहली बार दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था लागू करी गई थी तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के कार्यकाल में। आदित्य बिरला कैपिटल का अगला CEO किसे नियुक्त किया गया? तो आदित्य बिरला कैपिटल का नया CEO विशाखा मुले को नियुक्त किया गया है। विशाखा मुले यहाँ पर आपको इमेज में दिख रही हैं,
काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, तो इनको नया CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है। ये अभी कॉरपोरेट बैंकिंग, व्यापार, बाजार, लेन देन बैंकिंग, ठीक है ना, इसकी CEO इंचार्ज थी अभी तक। आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन हैं कुमार मंगलम बिरला। अगला, नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष दोस्तों बन गई हैं डॉक्टर सुमन के बेरी, ये राजीव कुमार जी की जगह ली हुई हैं। इससे पहले राजीव कुमार थे, अब उनके जगह पर आ गए हैं डॉक्टर सुमन के बेरी, ठीक है ना। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी, योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग किया गया था। नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं, बाई डिफ़ॉल्ट प्रधानमंत्री ही होता है अध्यक्ष, CEO हैं अमिताभ कांत और उपाध्यक्ष सुमन के बेरी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में विंबलडन ने रूस और किस देश के खिलाड़ियों को 2022 के एडिशन में हिस्सा लेने पर प्रतिबंध लगा दिया, तो दोस्तों विंबलडन ने, जो विंबलडन ओपन का टेनिस टूर्नामेंट कराती है, जो एक ग्रैंड स्लैम होता है, उसमें रसिया और बेलारूस इन दोनों के खिलाड़ियों को बैन कर दिया है, यानी इन दोनों के खिलाड़ी इसमें शामिल नहीं होंगे। रसिया और यूक्रेन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसको देखते हुए इसने फैसला लिया हुआ है, ठीक है ना। तो विंबलडन ने बैन कर दिया है इन दोनों देशों के खिलाड़ियों को। डेनियल मेदवेदेव जैसे बड़े बड़े स्टार खिलाड़ी दोस्तों रूस से आते हैं और बेलारूस से भी कई खिलाड़ी आते हैं, लेकिन इन सब को अब मौका इस बार नहीं मिलेगा। अच्छा, विंबलडन ओपन की बात करें तो ये दुनिया का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम होता है और ये हरी घास पर खेला जाता है, हरी घास के मैदान में खेला जाता है और साल का तीसरा ग्रैंड स्लैम होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। मलेरिया रोग के बारे में रोकथाम के लिए, मलेरिया रोग के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए, कैसे बचा जाए इसके बारे में बताने के लिए दिवस मनाया जाता है। थीम लंबी है, पूछी नहीं जाएगी, लेकिन जानकर चलो, हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिसीज बर्डन एंड सेव लाइव्स। अच्छा, मलेरिया से इम्पॉर्टेंट ये जो फैक्ट हैं ये जरूर पूछे जाएंगे, जैसे मलेरिया जो होता है ये प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है, लेकिन इसका वाहक कौन होता है, वाहक होता है मादा एनाफिलीज मच्छर, ठीक है ना। तो ये जरूर पूछा जाएगा कि मलेरिया रोग का वाहक कौन होता है, तो आप बताएंगे मादा एनाफिलीज मच्छरों के काटने से फैलता है, ठीक है, फैलाने का काम होता है। WHO ने अभी हाल ही में चाइना को मलेरिया मुक्त घोषित किया था और अभी वहीं WHO ने ही मलेरिया के उपचार के लिए पहली वैक्सीन, दुनिया की पहली वैक्सीन मॉस्क्यूरिक्स को मंजूरी दी है, तो दुनिया की ये पहली मलेरिया की वैक्सीन है। अगला, हाल ही में 7वें रायसीना डायलॉग का उद्घाटन कहाँ किया गया, किसके द्वारा किया गया, तो रायसीना डायलॉग का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नई दिल्ली में किया गया। 7वां इस बार का संस्करण था, इसमें कई सारे देशों के रिप्रेजेंटेटिव हिस्सा लेते हैं और इस पर बातचीत चलती है विदेश दुनिया भर के कई सारे मुद्दों पर। तो इस बार 90 देशों के 210 से ज़्यादा प्रतिनिधि इसमें हिस्सा लिए। अच्छा, EU यानी यूरोपियन यूनियन की जो अध्यक्ष हैं उर्सुला वान डेर लेयन, ये इस बार की मुख्य अतिथि थी, चीफ गेस्ट थी। इस बार की थीम थी टर्रा नोवा इम्पेशेंट एंड एम्परेल्ड। अगला, एक जिला एक उपज योजना के तहत, इसे उपज कर लीजिए, उपज, एक जिला एक उपज योजना के तहत किस राज्य के संतरे को सतपुड़ा संतरा का नाम दिया गया, तो एक जिला एक उपज योजना के तहत दोस्तों सतपुड़ा संतरा का नाम दिया गया है मध्य प्रदेश के संतरे को। मध्य प्रदेश में एक जगह है छिंदवाड़ा, वहाँ पर दोस्तों बहुत ही फेमस टाइप के संतरे पाए जाते हैं, तो उसको रीजनल नाम दे करके सतपुड़ा संतरा कर दिया गया है। अब मध्य प्रदेश की एक योजना भी चलाई गई है अभी, एक जिला एक उपज योजना, उसी को बढ़ावा देने के लिए, उसी के तहत संतरे को बढ़ावा देने के लिए ये किया गया है। एक जिला एक उपज से आपको याद आ रहा होगा एक जिला एक उत्पाद योजना, ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा अंतर है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है, ठीक है। एक जिला एक शिल्प अभियान भी मध्य प्रदेश ने शुरू किया था, ये भी आप याद रखेंगे। अगला, हाल ही में अंग्रेजी भाषा और स्पेनिश भाषा दिवस कब मनाया गया, तो अंग्रेजी भाषा दिवस और स्पेनिश भाषा दिवस ये 23 अप्रैल को मनाया गया। यूनाइटेड नेशन की 6 ऑफिशियल लैंग्वेज होती हैं, इनमें से 2 ये हैं, इंग्लिश और स्पेनिश, इनका इनका दिवस मनाया जाता है 23 अप्रैल को। सभी 6 का एक एक दिवस डिसाइड है और उसी दिवस को मनाया जाता है। 2010 से इन भाषाओं के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर आपको 6 की 6 लैंग्वेज दिख रही हैं, अंग्रेजी, अरबी, रशियन, चीनी, स्पेनिश, फ्रांसीसी, तो इसमें आप अंग्रेजी और स्पेनिश को ऐसे ले लो और यहाँ पर लिख लो 23 अप्रैल, ठीक है ना, पूरा याद करा दूंगा। अरबी लैंग्वेज जो होता है दोस्तों ये 18 दिसंबर को, जब अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है ना, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय अरबी दिवस, ये दोनों आप याद रखेंगे, ठीक है ना, तो 18 दिसंबर को मनाया जाता है। रूसी दिवस ये 6 जून को,
संयुक्त राष्ट्र का रूसी दिवस ये 6 जून को मनाया जाता है, और चाइनीज लैंग्वेज डे दोस्तों अभी 23 अप्रैल से जस्ट 3 दिन पहले 20 अप्रैल को मनाया गया। बच्चा फ्रांसीसी दिवस ये 20 अप्रैल से एक महीना और घटा देंगे आप 20 मार्च, तो 20 मार्च को मनाया गया। इस प्रकार से आप याद रखेंगे तो याद हो जाएगा। अगला, किस राज्य का पल्ली ग्राम भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना? तो पल्ली ग्राम दोस्तों ये जम्मू कश्मीर का है, ये भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गया है। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत का बनने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर गांव भर में जो भी चीज़ें, जो भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट यूज़ किया जाता है ना, वो सब का सब सोलर एनर्जी का होता है, यानी सोलर पैनल्स लगाए गए हैं। 500 किलोवाट का सोलर पैनल लगाया गया है और सांबा के पल्ली में ये स्थित है। सांबा दोस्तों एक सीमावर्ती क्षेत्र है जम्मू और कश्मीर का। तो ये केंद्र सरकार की ग्राम ऊर्जा स्वराज कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया है। निम्न में से कौन सा दिवस 29 अप्रैल को मनाया जाता है? तो अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया गया, ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 29 अप्रैल को, इंटरनेशनल डांस डे। डांस को बढ़ावा देने के लिए, डांस के प्रति लोगों को अवेयर करने के लिए, डांस के स्टेप्स वगैरह प्रमोट करने के लिए दिवस मनाया जाता है। 1982 में पहली बार मनाया गया था ITI की जो डांस कमेटी है उसके द्वारा। ये जीन जॉर्जेस नोवेरे की जन्मदिन पर मनाया जाता है, जो दोस्तों 29 अप्रैल को ही पैदा हुए थे और इन्होंने ही आधुनिक बैलेट के डांस की खोज की थी, या कहें कि इसके निर्माता थे। अगला, निम्न में से कौन स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन बन गई है? तो वो बन गई है इंडिगो। इंडिगो एयरलाइन, इसने गगन का उपयोग, गगन जो कि भारत की स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली है, इसका उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन बन गई है। गगन को दोस्तों डेवलप किया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने, यानी इसरो ने। तो इन दोनों के द्वारा मिलकर के ये बनाई गई है और इंडिगो के ATR-72 विमान ने इसे यूज करके राजस्थान के किशनगढ़ एयरपोर्ट पर लैंड किया हुआ है। हाल ही में इमैनुअल मैक्रॉन को कहाँ का दोबारा से राष्ट्रपति चुना गया? तो इमैनुअल मैक्रॉन दोस्तों ये अभी फ्रांस के एक बार फिर से बन गए हैं प्रेसिडेंट। फ्रांस के इतिहास में, आधुनिक इतिहास में अगर बात करें तो किसी जो दो बार से रिपीट होने वाले राष्ट्रपति का नाम नहीं आता अभी तक, लेकिन इमैनुअल मैक्रॉन ने वो रिकॉर्ड तोड़ दिया है, लगातार दूसरी बार ये प्रेसिडेंट बन गए हैं। 2018 में इन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ एक अवार्ड भी शेयर किया था, चैंपियंस ऑफ अर्थ का अवार्ड। अगला है, सिप्री रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्च के मामले में भारत किस स्थान पर है? तो भारत है दोस्तों तीसरे स्थान पर। सिप्री यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी करके बताया गया है कि दुनिया भर में सेनाओं पर खर्च करने के मामले में भारत तीसरे स्थान पर आ गया है। पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे पर है चाइना, और तीसरा सबसे ज़्यादा सेना पर अपने खर्च करता है इंडिया इस टाइम पर। 2021 में इसने $76.6 बिलियन खर्च किए हुए हैं, जो कि 2020 से 0.9% बढ़ करके है। ओके, इस रिपोर्ट का नाम याद रखेंगे, ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2021। अगला, वॉक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम वाला देश का पहला शहर कौन बना? तो वॉक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम वाला देश का पहला शहर बन गया है आगरा। उत्तर प्रदेश का आगरा शहर ये देश का पहला वॉक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम लगा दिया है। 100 करोड़ रुपये की लागत आई हुई है, सार्वजनिक स्थानों पर इसका उपयोग किया जाएगा। इसके लिए नीदरलैंड की कंपनी से सहायता ली गई थी, डील की गई थी 5 सालों के लिए रखरखाव के लिए। अगला, हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला कौन बना? तो ये बन गया है जामताड़ा जिला। जामताड़ा जिला दोस्तों एकमात्र ऐसा जिला है भारत का पूरे जो हर गांव में पुस्तकालय अवेलेबल कराया हुआ है। जामताड़ा एक टाइम पर फिशिंग काल के लिए दोस्तों फेमस हुआ था, झारखंड का एक ज़िला है। यहाँ पर पब्लिक लाइब्रेरी अब हर गांव में है और इस वजह से ये फेमस है, अच्छे चीज़ों के लिए फेमस है। तो अभी 8 लाख की आबादी वाले इस ज़िले में 6 ब्लॉक के तहत कुल 118 ग्राम पंचायतों में पब्लिक लाइब्रेरी खोली गई है। अगला, उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में भारत का पहला अमृत सरोवर स्थापित हुआ? तो उत्तर प्रदेश के रामपुर शहर में दोस्तों अमृत सरोवर स्थापित हुआ है, जो कि इस टाइप का भारत का पहला है। अमृत सरोवर देखिए कुछ इस प्रकार से होगा, यानी इसमें जो भी तालाब वगैरह थे उनका जीवाणोद्धार किया गया है, थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है अच्छे तरीके से, तो अमृत सरोवर स्थापित हुआ है। अगला, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कितने गोल्ड जीते? तो एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 जो हुआ, इसमें भारत ने 1 गोल्ड जीते, 5 सिल्वर जीते, 17 दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल जीते और 11 ब्रॉन्ज मेडल जीते और टोटल 17 मेडल जीते हुए हैं।
एकमात्र जो गोल्ड आया है वो आया है रवि दहिया के नाम। रवि दहिया ने 57 किलोग्राम की फ्री स्टाइल कैटेगरी में गोल्ड जीता हुआ है। रवि कुमार दहिया जो हैं इन्होंने ही दोस्तों इंडिया को सिल्वर मेडल दिलाया था अभी ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में। अच्छा, यह आयोजित कहाँ हुआ? मंगोलिया के उलानबटार में। 35वां इस बार का संस्करण था। भारत मेडल रैंक में 5वें स्थान पर था, जापान था टॉप पर। अगला, हाल ही में किसने यूके का कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड जीता? तो यूके का कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड जीत लिया है दोस्तों किशोर कुमार दास ने। किशोर कुमार दास नाम देख करके आप कन्फ्यूज मत होइएगा, ये भारत के नहीं हैं, ये बांग्लादेश के हैं। तो बांग्लादेश के किशोर कुमार दास ने ये जीता हुआ है। इन्होंने एक शैक्षिक चैरिटी स्थापित करी हुई है विदानंदो, तो विदानंदो के संस्थापक हैं। विदानंदो ने जो भी अभूतपूर्व कार्य किए हैं उसके लिए ये सम्मानित किए गए हैं। एक टका एक आहार भोजन कार्यक्रम इन्होंने शुरू किया था अभी। हाल ही में किसे 2022-23 के लिए नैसकॉम का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया? तो नैसकॉम के दोस्तों चेयरपर्सन नियुक्त हुए हैं कौन? कृष्णन रामानुजन। कृष्णन रामानुजन को 2022-23 के लिए चुना गया है। ये किसकी जगह पर आए हैं? रेखा मेनन की जगह पर। इससे पहले रेखा मेनन थी जो कि फर्स्ट लेडी थी, पहली महिला थी नैसकॉम के चेयरपर्सन बनने वाले, लेकिन अब इनकी जगह पर कृष्णन रामानुजन होंगे। ओके, अच्छा, अध्यक्ष रामानाव, उपाध्यक्ष भी नाम याद रखते चलिए। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के जो अध्यक्ष हैं अनंत माहेश्वरी, इनको उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है नैसकॉम का। कृष्णन रामानुजन जो हैं ये TCS से आते हैं, TCS में ये इंटरप्राइजेस ग्रोथ ग्रुप के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। क्लियर। नैसकॉम के अगर बारे में बात करें तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी जी होता है फुल फॉर्म इसका। ओके, अच्छा, तो आप MZT ऐप अगर नहीं इंस्टॉल किए हो तो इसको गूगल प्ले स्टोर से जा करके इंस्टॉल कर लो। बहुत ही प्यारा एप्लीकेशन है, बहुत कुछ आपको इसमें मिलने वाला है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यहाँ से आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। बहुत सारे फ्री क्विजेज, बहुत सारे फ्री वीडियोस, बहुत सारे स्टडी मटेरियल, बहुत सारे फ्री PDF आप प्राप्त कर पाओगे। इसके अलावा आप हमारे पेड ई-बुक्स ले सकते हो, पेड वीडियो कोर्सेज भी ले सकते हो। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, आप MZT ऐप पर जा करके उसमें वीडियो कोर्स सेक्शन में जाइए और वीडियो कोर्स सेक्शन में आपको बहुत सारे वीडियो कोर्सेज दिखेंगे। आप इंडिविजुअल बैचेस भी ले सकते हो। इनको भी लेने के लिए आपको सिंपल सा प्रोसेस अपनाना है। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो जगह जगह व्हाट्सएप का आइकन बना है, उस पर टच कीजिए, डायरेक्ट आप हमसे संपर्क कर पाएंगे और अपने डाउट क्लियर कर पाएंगे। तो विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट करके हमें जरूर बताना, साथ ही साथ ये भी बताना वीडियो किन किन लोगों ने लास्ट तक देखी है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।